आज ललितपुर में वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 12 में सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा समस्त गलियों में निरीक्षण किया गया और लोगों को लॉकडाउन के बारे में समझाया गया कि वो अपने घरों में ही रहें और कोई भी घर के बाहर ना निकलने की अपील की गई। अगर लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वह सीधे सेक्टर मजिस्ट्रेट और वार्ड पार्षद जी से संपर्क कर सकते हैं। रिपोर्ट सुरेंद्र सपेरा, ललितपुर। नियमों के सुसंगत नियमों के तहत धारा 188 के तहत चलाना और गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई है। तो अतः नियमों का पूर्णतया पालन करें। दुकानें सभी सुबह से लेकर 2 बजे तक ही खुली हुई है, उसके बाद दुकानें बंद रहेंगी। 2 बजे के बाद अनावश्यक न निकले, घरों से न निकले। दिन में भी अति आवश्यक कार्य हो तो घर का एक आदमी जाकर आवश्यक सामान लेकर आएगा। सभी लोग अनावश्यक न निकले, अपने परिवार की अपनी सुरक्षा करें, मोहल्ले को स्वस्थ रखें, स्वयं स्वस्थ रहें, घर को स्वस्थ रखें। जरूरत पड़ने पर पैदल जाकर आवश्यक सामान ले आए, बाइकों से अनावश्यक मत घूमें। पकड़ करके चौकी पे हवाले किया जाएगा और उसको अधिकतम 188 उल्लंघन करने पर 3 महीने की गैर जमानती धाराओं में जेल भेजा जाएगा। नियमों का पालन आपकी सुरक्षा के लिए है।